Today we discuss about the law of conservation of angular momentum. Law of conservation of angular momentum. What is this? It is this that if L is the angular momentum, I is the moment of inertia and omega is equal to angular velocity, then relation will be L is equal to I omega. What is said that in this law? It is said that if external torque is zero, यदि बाहर का टॉर्क शून्य होगा, then angular momentum will be constant. It means I omega will be constant. And I omega will be constant means if I one taken, I change to I one, omega change to omega one. And in next term if I change to I two, and omega change to omega 2, then the product of I1 omega 1 is equal to I2 omega 2. मैं उसको आपको सीधी भाषा में समझाता हूँ. यदि हमने I मान लिया 4, omega मान लिया हमने 3, product क्या हो गया 12. तो इस law के अनुसार अगर angular moment torque, इस law के अनुसार यदि torque हमारा 0 रहेगा और ये जो I 4 से बढ़ के 6 हो गया, I फोर से इंक्रीज होके यदि 6 हो गया, तब एंगुलर वेलोसिटी अपने आप ही 3 से डिक्रीज होके क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी. और क्यों होगी ये? क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट क्या रहना है, 12. इसी तरह यदि I चेंज होके डिक्रीज होके 3 हो गया, देन ओमेगा डिक्रीज होके क्या हो जाए, इंक्रीज होके क्या हो जाएगा, 4. Maintain the product which is 12. अब मैं आपको एक डेली लाइफ का एग्जाम्पल लेता हूँ जिसमें हम फिजिक्स यूज तो करते हैं, लेकिन हर कोई यूज करता है, लेकिन वो समझ नहीं पाता कि मैंने फिजिक्स लगाई क्यों है. समझ केवल बच्चे ही पाते हैं जो फिजिक्स के स्टूडेंट्स हैं. एग्जाम्पल के लिए जब हम स्लिप होते हैं तो पहला हमारा मोमेंटम क्या होता है बच्चों? दिस. यस सर. यस और नॉट? यस सर. दिस. Why we do this? Because I explain it. Moment of inertia is equal to m r square. Here m is the mass of the body, r is the radius or diameter of the body. Now if r increase, यदि हम r को increase करेंगे, then I should be increase. तो हम अपनी body जब ऐसे फैलाते हैं तो हम क्या इंक्रीज कर रहे हैं, बॉडी का एक्चुअल डायमीटर, एक्चुअल रेडियस इंक्रीज कर रहे हैं. और जब रेडियस इंक्रीज करेंगे तो हमारा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज. और हमारी एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज. इससे क्या होगा, जो हम स्लिप होके गिरने के चांसेस थे वो हमारे कम हो जाएंगे. मैं ये नहीं अश्योर कर रहा कि आप गिरोगे नहीं, बट आप धीरे गिरोगे, चोट लगने के चांसेस कम रहेगी. Is that clear or not? Yes, sir. Okay.